आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज, जुर्म का पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ एसपी रावत और आज हमारी उपस्थिति निचलौल ब्लॉक के बकुलडीहा में है। जैसा कि हमारे पीछे एक आप बोर्ड देख रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा यह एक पुल का निर्माण हो रहा है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कार्यदायी संस्था प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग महाराजगंज है और 9 अप्रैल 2023 को इसका शिलान्यास हुआ है। जैसा कि मुझे याद है कि जब जिलाधिकारी महोदय यहां महाराजगंज में आए तो जिला गोसदन मधवलिया में उनका दौरा था। उस दौरे में हम लोग उपस्थित थे और वहां मौखिक रूप से चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल पीडब्ल्यूडी को फ़ोन करके दोनों पुल के बारे में अवगत करवाया था और जनवरी तक हर हाल में दोनों पुल को बनाने के लिए निर्देशित किया था। जैसा कि बकुलडीहा का यह पुल और मधवलिया गोसदन के पास जो एक पुल टूटा था, वह इन दोनों पुलों के लिए माननीय जिलाधिकारी ने निर्देशित किया था कि जनवरी से पहले पुल फाइनल हो जाना चाहिए। और जैसा कि बोर्ड में भी आपने देखा है कि 2023 में ही शिलान्यास हो गया है, लेकिन जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि अभी तक यहाँ पुल बनने का कोई आसार नहीं दिख रहा है और यह फरवरी भी बीतने वाला है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई वर्षों से यहाँ स्थिति यह बनी हुई है कि दर्जनों गांव का रास्ता बाधित है, उसके बाद भी यह पुल बनने का कोई आसार दिख नहीं रहा है। जैसा कि आप फुटेज में भी देख रहे होंगे कि यहाँ पानी भरा हुआ है और कोई काम नहीं दिख रहा है कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि हाँ यहाँ काम होने वाला है। क्या पानी में पुल नहीं बनाया जा सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकता है? उसमें भी फाउंडेशन देकर बड़े बड़े नदियों में पुल बनता है, पानी में ही बनता है और यहाँ तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। आखिर यह पुल कब तक बनेगा और कब दर्जनों गांव के लोगों को आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? जैसा कि मैं पिछले दिनों की मैं बात करूँ तो बकुलडीहा के ग्रामीणों ने यहाँ एक बोर्ड लगाया था कि पुल नहीं तो वोट नहीं। नेता तो आए लेकिन पुल का निर्माण नहीं हुआ और जब पुल का शिलान्यास हो भी गया तो अब तक जो है पीडब्ल्यूडी विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर यह पुल कब तक बनेगा और कब दर्जनों गांव के लोगों को इस टूटे हुए पुल से मुक्ति मिलेगी। फिलहाल कैमरे में पूरा दिखाइए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए कि किस तरह से यहाँ भयावह स्थिति है और दर्जनों गांव के लोगों के लिए कितना बड़ा मुसीबत है। जैसा कि यह बोधना संपर्क मार्ग है और बोधना के बाद ही मुख्य मार्ग मिलता है जहां से आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए दर्जनों गांव का यह मुख्य मार्ग है। लेकिन अब तक पुल का न बनना यह कहीं ना कहीं लापरवाही को दर्शाता है। फिलहाल खबर चलने के बाद क्या स्थिति होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहिए इंडिया पावर न्यूज के साथ। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।